चीन के मसले पर कांग्रेस नेता कमलनाथ को लेकर बीजेपी सड़क पर है। रीवा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला जलाया। रीवा में भाजपा ने आरोप लगाया कि वाणिज्य मंत्री रहते कमलनाथ ने चीन को 278 करोड़ का लाभ पहुंचाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ पर कई आरोप लगाए और शिल्पी प्लाजा चौराहा और लाल गांव बटवा बाजार में कमलनाथ का पुतला दहन किया और कांग्रेस विरोधी नारे लगाए। ये जब कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे देश के, तब इन्होंने चीन को फायदा पहुंचाने के लिए देश विरोधी सेवा का सौगंध ले करके और देश विरोधी जो काम किए हैं उसी के संबंध में हम लोग इनका आज पुतला दहन किए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ का पुतला दहन करने के लिए कहा गया था, जिसमें आज हम तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे तीनों मंडल के कार्यकर्ता यहाँ शिल्पी प्लाजा चौक में कमलनाथ का पुतला दहन किया है। और उसका कारण ये है कि जब वो वाणिज्य कर मंत्री थे केंद्र में, तब उन्होंने 278,000 करोड़ का चीन को लाभ पहुँचाया था। जो चीन आज हमारे भारत से आग उठा के देख रहा है, उसी के विरोध में आज जब उसका खुलासा हुआ, तो हम लोगों ने पूरे रीवा शहर के तीनों मंडल अध्यक्ष उनके कार्यकर्ताओं ने उसका पुतला दहन किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।